गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको फ्रैक्शन पे जा रहे हैं। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया हो या भिन्न दिया हो, उसे कहते हैं साधारण भिन्न। या हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, 2/3 या 4/7 या 5/6। ओके स्टूडेंट, इसमें हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमें नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है। नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अंश का मान, अंश का मान हर से बड़ा होता है। अंश का मान, सॉरी, अंश हमेशा हर से छोटा होगा, हर की वैल्यू अंश से बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, जब ये कंडीशन आए तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या साधारण भिन्न कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका अपोजिट होता है। जिस तरीके से हम 3/2 लिख लें या 7/4 लिख लें या 6/5 लिख लें, इसमें क्या होता है, जो नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, जो हमारा अंश होता है हर से बड़ा होता है। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड कंडीशन होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? यह हमें इस तरीके से लिखा हुआ हो, इस तरीके से लिखने वाले को फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी बेस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5। इसमें हमको बताना है कौन सा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला फर्स्ट दिया 3/5। इसमें हम पहले चेक करेंगे, जो हमारा नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब अंश हमारा हर से छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारा ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इस कंडीशन में हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, या साधारण भिन्न कहलाएगा, या इसे हम कहेंगे साधारण भिन्न। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2/7 या 2/7। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे, जो हमारा नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब अंश हमारा हर से छोटा है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा या साधारण भिन्न कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे 9/5। तो इसमें हम सबसे पहले कंपेयर कराएंगे, जो हमारा नोमिनेटर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या लगेगा, मतलब कि अंश हमारा हर से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हमें लगेगा जो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या इसे कहेंगे विषम भिन्न। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन 5/3। 5/3 में हम इसे चेक करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर से छोटा है या हर अंश से छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न। ओके स्टूडेंट, जब हमारा इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है इस तरीके से अगर कोई भिन्न आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, ये तो सिंपल दिखने से ही दिख रहा है कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा या मिश्रित भिन्न कहलाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न बनाइए। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें दिया है हुज न्यूमरेटर इज, जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना दिया है, न्यूमरेटर या अंश, अंश हमको दिया है 5। ओके, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसे कहेंगे हर, हर हमारा कितना दिया है 7। तो इसे हमें उचित भिन्न या फ्रैक्शन बनाना, तो फ्रैक्शन बनाएंगे या इसको भिन्न बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो भिन्न हमारा क्या होता है, अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो अंश या न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है इसमें 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 5/7 या भिन्न हमारी होगी 5/7। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है।
ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब ये हमारा विषम भिन्न है, इसको हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका हम डिवाइड करेंगे किसमें, न्यूमिरेटर में। तो न्यूमिनेटर में जाएगा वन टाइम सेवन, वन या सेवन, तो इसमें हमारा रिमाइंडर या शेषफल क्या बचेगा, वन। तो ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, या इसे कहेंगे शेषफल। और ये हमारा कहलाता है क्यूटेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा डिवीज़र होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूटेन रिमाइंडर अपॉन में डिवीज़र। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न निकल आएगी। तो क्यूटेंट हमारा इसमें क्या है, क्यूटेंट वन है, और ये मल्टीप्लाई क्यूटेंट होगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर भी वन है, और डिवीज़र हमारा कितना है, डिवीज़र हमारा सेवन है। तो ये फ्रैक्शन कहलाती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ। तो स्टूडेंट फिफ्थ का फर्स्ट है, इसलिए हमको दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। मतलब मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो सिंपल है, इस वाले इसका ये हमारा डिवीज़र है, इसका क्यूटेंट में मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो क्यूटेंट, ये डिवीज़र है, जो डिवीज़र इसका क्यूटेंट, ये क्यूटेंट कहलाता है, ये रिमाइंडर, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस में ये हमारा रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर थ्री और डिवीज़र हमारा फोर ही रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा ट्वेल्व प्लस में थ्री बाई फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फिफ्टीन बाई फोर। तो ये हमारा चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।